विधानसभा ज्वालामुखी को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाना मेरा लक्ष्य है। ये बात ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गगडूही के वार्षिक उत्सव के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा में पिछले कार्यकाल में 3 कॉलेज खोले गए, जिनमें जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इसके अलावा स्थानीय छात्रों को घर द्वार पर शिक्षा मिले, इसका भी पूरा प्रयास रहेगा। स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों ने लोहड़ी की प्रस्तुति पर सबका मन मोह लिया और खूब तालियां बटोरी। ऐसे तो जब आप लोगों ने मुझे दूसरी मर्तबा आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया और चुनकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा, उसके बाद मैं कई बार पा दिया उस काम को करके बेखूबी इसी समय में आपको करके मैं दिखाऊंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। और आज जब हम दोबारा से आपके आशीर्वाद से विधायक बने हैं, आज भी हमारा ये प्रयास है कि हम शिक्षा का प्रसार। पिछली मर्तबा जब हम विधायक बने, हमने लगभग 80 स्कूल जो है वो नए खोले या अपग्रेड किए। ना केवल हमने स्कूल खोले, उन स्कूलों में हमने वो सारी मूलभूत सुविधाएं भी दी जो एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए चाहिए, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए चाहिए। हम चाहते थे कि अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे पढ़े और एक अच्छे नागरिक बने, इसलिए हमने वो सारी मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया जिसके ये हकदार थे। ना केवल हमने स्कूल खोले, हमने अपने समय में 3 डिग्री कॉलेज भी खोले। खुंडिया में हमने डिग्री कॉलेज खोला, ज्वालामुखी के कॉलेज का हमने सरकारीकरण किया और मझीन में भी हमने डिग्री कॉलेज खोला। और आज हमें खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य था, हम चाहते थे कि हमारे क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर कम से कम ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे, और आज हमारे बच्चे जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। कोई बीएड कर रहा है, कोई एमएड कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है। कई बच्चे हमारे जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, कोई डॉक्टर बन गए। हिमाचल प्रदेश के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो रिपोर्ट।